सुनते हो? सुन रहा हूँ, बोलो। परसों आपका जन्मदिन है ना? हाँ, तो क्या हुआ? एक बात बोलना चाहती हूँ। बोलूँ? बोलो ना। मेरी एक इच्छा है, आपके जन्मदिन पर मैं आपके लिए अच्छा सा केक बनाऊं, तो आप उसके लिए चेरी, मैदा, दूध और चीनी लेकर आइए। हम जैसे गरीबों को ये सारी केक वेक शोभा नहीं देता, ये सब अमीरों का शौक है। देखिए, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं और मैंने अब तक आपसे कुछ मांगा तक नहीं है। कम से कम मेरी ये इच्छा तो पूरी कर दीजिए ना। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी कोई जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन हम गरीब हैं और हमारी अवस्था नहीं है कि ये सारी चीज मैं तुम्हें ला कर दूँ। मुझे माफ कर देना। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप ना एक काम कीजिए, आप ना मेरे शादी का जोड़ा लेकर बाजार जाइए। वहाँ पर आपको कोई भी दुकान मिलेगी, वहाँ पर ये जोड़ा बेच दीजिए तो पैसे मिल जाएंगे। उसे आप सामान ले आइए और अपने लिए अच्छे से कपड़े भी खरीद लीजिए। ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पास यही तो एक अच्छी साड़ी है। मेरी चिंता मत कीजिए, आपके जन्मदिन पर मैं अच्छा सा केक खिलाऊंगी। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप जाइए ना, जल्दी जाइए। ठीक है, तुम जैसा कहो। हे ऊपर वाले देवों के देव, मेरी अच्छी पत्नी की सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिएगा देव। मैं आपको बढ़िया सी खीर चढ़ाऊंगा। हे ऊपर वाले, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी अच्छी पत्नी की सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। मैं आपको बढ़िया सी खीर चढ़ाऊंगा। हे ऊपर वाले, मेरी अच्छी पत्नी की सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। मैं आपको बढ़िया से खीर चढ़ाऊंगा। हे ऊपर वाले, मेरी अच्छी पत्नी की सारी मनोकामनाएं आप पूरी कीजिएगा। मैं आपको अच्छी सी खीर चढ़ाऊंगा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? भैया, मैं बहुत गरीब हूँ। कल मेरी शादी है और मेरे पास पहनने के लिए अच्छी साड़ी भी नहीं है, इसीलिए मैं घर से ये बर्तन लेकर आई हूँ ताकि मैं इन्हें बेचकर अच्छी सी अपने लिए साड़ी खरीद सकूँ। लेकिन ये पुराने कहकर कोई खरीद भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे अरे बापरे, इतनी प्यारी लड़की और इतनी दुखी। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास बनारसी साड़ी है, तुम ये लो। आशा करता हूँ कि तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें दे रहा है, और खुशी खुशी ले लो। ये लो, लो, ले लो। ठीक है, तो फिर आप मेरे ये बर्तन तो ले लीजिए भैया। अच्छा ठीक है, खुश रहो बेटा, तुम्हारी शादीशुदा का जीवन बहुत ही अच्छा रहे। खुश रहो। बेटा, ओ बेटा, मेरे ये फल तो खरीद लो। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे दवाइयाँ खरीदनी है बेटा। ले लो बेटा, ओ बेटा, ले लो। उफ, सच में मनुष्य के कितने सारे दुख होते हैं। पता नहीं फल बेच के कितने पैसे कमाएगी, और घर में बीमार लड़का भी है। ओ दादी माँ, दवाई के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, फल बेच के कितना कमाओगी? मेरे पास तो इतने ही हैं, घर पर कितने होंगे मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे इसके पैसे नहीं मिले तो मैं दवाई नहीं खरीद पाऊंगी। तो आप एक काम कीजिए, ये तांबे के बर्तन आप रख लीजिए, हो सकता है इसे बेचकर आपको पैसे मिल जाए और आप अपने बेटे के लिए दवाई भी खरीद सकती हैं, है ना? ये लो, ये लीजिए। बहुत महान हो बेटा, इसके बदले में तुम मेरे ये फल रख लो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है,
मैं ऊपर वाले से आपके बेटे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? अरे अरे बाप रे, ये क्या सर्वनाश हो गया, एक भी पैसे नहीं है और बहुत जोर की भूख लगी है, लगता है मर ही जाऊंगा। क्या हुआ दादा, तबीयत खराब है? हाँ क्या हुआ? सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, अब तो चला भी नहीं जा रहा है मुझसे। आप एक जगह पे बैठ के पहले खाना खा लीजिए, फिर अपने छाते बेचेगा, ठीक है? मैंने सुबह से जितने छाते बेचे हैं, एक चोर ने सब चोरी कर लिए। ये देखो, ये सब छाता कीचड़ लग के खराब हो गया है, अब कौन खरीदेगा इसे बताओ। दादा मेरे पास कुछ फल है, आप इसे खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। लीजिए लीजिए लीजिए, खाओ खाओ। तुम तो बहुत दयालु हो बेटे, अनजान इंसान के लिए इतनी चिंता। तो तुम इस कीचड़ से सने छाते को ले जाओ, मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। अगर आपको खुशी मिलती है तो मैं ये रख लेता हूँ, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? सच में इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, उनकी जरूरतों तो मुझसे भी ज्यादा है। मेरा जन्मदिन तो फिर से आ जाएगा, रेनू को मैं अच्छे से समझा दूंगा, उसका मन भी बहुत अच्छा है। अगर ये छाते बिक जाए और कुछ पैसे मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे अरे बहुत बारिश हो रही है, एक काम करता हूँ छाता खोल देता हूँ ताकि मैं भीग ना जाऊं। हे देवी मुझे माफ कीजिए, मैं आपको खीर नहीं चढ़ा पाया, अगर आप इस तरह बारिश में यहाँ पे रहे तो आप भीग जाएंगे। एक काम करता हूँ आपके सिर पे ये छाता रख कर जाता हूँ। अरे बाप रे, आप तो पूरी तरह से भीग चुके हो, और मैंने जो सामान मंगवाया था वो कहाँ है? बताता हूँ, मेरे साथ इतना सब हुआ कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। क्या बोल रहे हो, आपके प्रति तो मेरा प्यार और भी बढ़ चुका है, आपके जैसा दयालु धर्म प्रेमी इंसान के साथ मेरी शादी हो गई, मैं धन्य हो गई। कल आपके जन्मदिन पर इसी खुशी के साथ मैं आपकी आरती उतारूंगी। ठीक कहा तुमने, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है, अब हम सोने जाते हैं, मुझे नींद आ रही है। अजी अजी सुनिए तो, दरवाजे पर कोई खटखट कर रहा है। अरे ये क्या, इतनी रात को कौन आ गया, देखता हूँ। तुम्हारी सरलता, उदारता और इंसान के प्रति प्रेम देखकर हम लोग बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हम लोग तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार लाए हैं। हम लोगों के आशीर्वाद से तुम लोगों का कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। आपके जन्मदिन पर आपको खीर खाने मिल गई, इस बात की मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मुझे खीर खाकर खुशी नहीं हो रही है, खीर के साथ साथ हमें अच्छा सा केक भी मिल गया है। इंसान जब दूसरे इंसान की मदद करेगा, धर्म के रास्ते पे चलेगा, तो उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी।